विभाग डायरेक्टर मनोरमा मोहंती हाल अत्यारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाय छे। तापमान रिकॉर्ड किया गया है 45 डिग्री सेल्सियस इन कांडला एयरपोर्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में लाइक 10 मोर देन 10 प्लेसेस में 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गया है 10 प्लेस में गुजरात स्टेट में। जैसे भूज 43.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ था, कांडला एयरपोर्ट 45 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ था, अमरेली, राजकोट, केसड़, अहमदाबाद, दिशा, गांधीनगर ये सारे प्लेसेस में 43 डिग्री सेल्सियस एंड अबव रिकॉर्ड हुआ है। और अभी अगले दो दिन में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव होने का संभावना है आइसोलेटेड पॉकेट्स में, जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होने का संभावना है, बनासकांठा में भी होने का संभावना है, देन पाटन इवन अहमदाबाद में भी सीवियर हीट वेव हो सकता है, गांधीनगर, महसाना, साबरकांठा हीट वेव में हीट वेव वार्निंग दिया गया है। और सौराष्ट्र में राजकोट, अमरेली, पोरबंदर में सीवियर हीट वेव होने का संभावना है, राजकोट अमरेली में, मोरबी, सुरेंद्रनगर में, मोरबी, राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर में भी हीट वेव होने का संभावना है। तो मैडम जी ये बोल सकते हैं कौन सा इलाके में रेड अलर्ट रहेगा और कौन से येलो ऑरेंज? अभी पूरा प्रेस रिलीज मैं आपको अभी दे रही हूँ। अभी मोस्टली जो ऑरेंज अलर्ट रहेगा हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, जिससे बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर भी हो सकता है, सुरेंद्रनगर, मोरबी, कच्छ ये सारे, और ऑरेंज अलर्ट रहेगा इवन पोरबंदर में भी, बिंगे कोस्टल स्टेशन पोरबंदर में कल 41 डिग्री सेल्सियस गया था, आज भी अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस होने का संभावना है, अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह 44 से भी ज्यादा जा सकता है। अने हवे